गुड मॉर्निंग। 13 तारीख का करेंट अफेयर्स, 13 तारीख यानी 12 तारीख का जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है वो है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि PDF उनको नहीं मिल पा रहा। देखिए, इसी वीडियो के नीचे भी लिंक है आपको, जिनको PDF डाउनलोड, इसका नहीं, जो करेंट अफेयर्स का अलग से जो आ रहा है BPSC के लिए, 4 पार्ट में एक आएगा और 2 पार्ट उसका अपलोड हो चुका है। एक और अलग से BPSC के लिए ही निकाल दिया गया, जिसमें अंदर इकोनॉमिक सर्वे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी डाउनलोड करेंगे, लिंक इसके नीचे ही है, आप वहाँ से कर सकते हैं। हाउडी मोदी जो है उसको हाउ डू यू डू कहा जाता है अमेरिका में, शॉर्ट फॉर्म में हाउडी कहा जाता है। और मोदी इसीलिए लग गया कि इस प्रोग्राम में मोदी साहब भी जा रहे हैं। हाउ डू यू डू को अमेरिका में हाउडी कहा जाता है। 22 सितंबर को दुनिया की ऊर्जा राजधानी के रूप में जो फेमस है अमेरिका के ह्यूस्टन शहर, वहाँ NGR स्टेडियम में टेक्सास इंडिया फोरम ऑर्गेनाइज करा रहा है एक कार्यक्रम, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे। और ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी भारत अमेरिकी समुदाय को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। और इसके पहले जो है मोदी साहब 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में और 2016 में सिलिकन वैली में भी ऐसा काम कर चुके हैं, यानी जो इंडियन अमेरिकन है उनको संबोधित कर चुके हैं। और इसके लिए 50,000 लोगों की बुकिंग भी हो चुकी है। न्यूयॉर्क वाले में 20,000 हुई थी, इस बार बढ़ के 50,000 हो गई है। तो हाउ डू यू डू। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। इसमें विराट कोहली के नाम से भी एक पवेलियन होगा, 2 दिन पहले करंट करवा दिया था, अब ये नया अपडेट आया है। इसका उद्घाटन 22 सितंबर को किया जाएगा। तो इसका नाम फिरोसा कोटला का बदल दिया गया है। और ये फिरोसा कोटला है कहाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। डोमिनिक ड्रिक्स ने एक अलग तरह का रिकॉर्ड बना दिया है T20 मैच में। दरअसल CPL यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग के मैच में इन्होंने T20 में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सेंट किट्स के खिलाड़ी डोमिनिक ड्रिक्स ने 14 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली। अब लग रहा होगा कि ये कौन सा रिकॉर्ड है ना, कि 14 गेंद पे 34 रन की पारी। तो रिकॉर्ड क्या है कि 11th पोजीशन पर इतना बड़ा स्कोर बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज है। 11th पोजीशन पे इतना बड़ा स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज है, यही रिकॉर्ड है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ऐसा कोई भी आने वाला एग्जाम नहीं होगा जहां इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए इसको ठीक से सुन लें। खेल में पद्म सम्मान के लिए पहली बार 9 महिलाओं को रिकमेंड किया गया है। 9 खिलाड़ियों का नाम भेजा गया एक्चुअली, और इस 9 खिलाड़ी में कोई भी मेन स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, यानी कोई भी पुरुष खिलाड़ी नहीं है, सब की सब महिला खिलाड़ी हैं। वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन को भेजा गया है, का नाम रिकमेंड किया गया है। खेल मंत्रालय की तरफ से 9 खिलाड़ियों का नाम पद्म सम्मान के लिए भेजा गया है और इसमें केवल महिला खिलाड़ी ही हैं। 6 बार की चैंपियन, विश्व चैंपियन रह चुकी मैरी कॉम का नाम पद्म विभूषण के लिए भेजा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण के लिए भेजा गया है। फैक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल इतिहास में यह पहली बार है जब किसी महिला खिलाड़ी को, ठीक है, महिला खिलाड़ी को देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान यानी पद्म विभूषण के लिए रिकमेंड किया गया है, सिफारिश किया गया है, ये पहली बार है। उसके बाद पद्म भूषण के लिए PV सिंधु के अलावा 7, अच्छा, पद्म भूषण के लिए PV सिंधु और इसके अलावा 7 और खिलाड़ियों को पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया गया है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पद्म विभूषण के लिए कितने खिलाड़ी, तो एक वो है MC मैरी कॉम, पद्म भूषण के लिए कितने खिलाड़ी, तो एक वो है PV सिंधु और 7 और जो खिलाड़ी है वो पद्मश्री के लिए उनको रिकमेंड किया गया है। विनेश फोगाट पहलवान है, हरमनप्रीत कौर T20 क्रिकेट की कप्तान है, मनिका बत्रा टेनिस खिलाड़ी हैं, सुमा शिखर पूर्व निशानेबाज, रानी रामपाल हॉकी इंडिया बहुत ही फेमस हैं, तांसी और नुंगसी मल्लिक ये जुड़वा सिस्टर है जो पर्वतारोही का काम करती है, माउंटेनियर है, ठीक है। और एकदम से इम्पॉर्टेंट है, इसको बस याद कर लीजिएगा आप लोग, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पूछने याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक था फैक्ट तो डाल दिया, कुछ है ही नहीं आज ज़्यादा डालने का।
नंबर पोर्टेबिलिटी की फीस 19 रुपये से घटा के 5.74 कर दिए, याद करने की जरूरत नहीं है, 30 सितंबर से लागू होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि अब एक सर्किल के अंदर अगर नंबर पोर्ट करवाना है तो 2 दिन का समय लगेगा, ये आपके वैसे भी डेली मैं नॉलेज में होना चाहिए। और एक सर्कल से दूसरे सर्कल में पोर्ट हो रहा है तो 4 दिन का टाइम लगेगा, पहले 1 सप्ताह लगता था। सिंगल ऑथराइज्ड लेटर पर एक बार में 100 नंबर पोर्ट हो सकता है, वैसे पहले 50 होता था। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर नंबर पोर्ट करने में अगर टेलीकॉम कंपनी फॉल्ट पाई जाती है तो उसको 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस साल की 6ठी हैट्रिक, ये भी याद रख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच में वुमेन्स का वनडे मैच हो रहा है, उस मैच में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मेगन सट ने क्या किया, हैट्रिक ले लिया। हैट्रिक तो बहुत कोई लेते हैं, तो हैट्रिक ले लिया, ये महिला वर्ल्ड क्रिकेट में यह एक रिकॉर्ड है। कैसे है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली महिला बनी जो वनडे में हैट्रिक लिए हैं, T20 में पहले ही ले चुकी थी, वनडे में हैट्रिक लेने वाली पहली महिला बनी और T20 में भी इन्होंने हैट्रिक लिया है। तो वनडे और T20 दोनों मिला के अगर बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने T20 और वनडे दोनों में हैट्रिक लिया है। शेख हसीना भारत दौरा बांग्लादेश, याद होगा 3 से 6 अक्टूबर, फैक्ट क्या है, 3 से 6 अक्टूबर को आ रही हैं, BPSC के लिए याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 से 6 अक्टूबर को आ रही है। तीस्ता के साथ साथ अन्य मुद्दे पर भी बातचीत करेंगी। लद्दाख बॉर्डर पे एक बार फिर से चीन आमने सामने आ गया है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर भारत और चीनी सेना के बीच नोकझोंक हुई, जिसे उच्च पदाधिकारियों के द्वारा वैसे सुलझा लिया गया है, बट आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है, अभी संभावना है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इल मिली है, अब इल क्या होता है देख लो आप, ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हील है, ईल है, और नेचुरल तरीके से 860 वोल्ट तक का झटका दे सकती है, मतलब कोई भी मर जाए अगर एक बार झटका दे तो, 860 वोल्ट का झटका इमेजिन कर सकते हैं आप, देती है, और नेचुरल रूप से ये सबसे ज़्यादा झटका देने वाली, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली है। इसका नाम है, दो ईल मिली है, नहीं है तो नई प्रजाति है, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोपोरस वोल्टाई और इलेक्ट्रोपोरस वड़ी, और ये अमेजन बेसिन जो जंगल है वहाँ मिली है, अमेजन बेसिन जो जंगल है वहाँ पे ये मिली है, तो यही फैक्ट है, और आज का यही फैक्ट है, और फिर कल नए फैक्ट के साथ आएंगे।